सब्सक्राइब कीजिए धर्मेंद्र खत्री चैनल को और दबाइए बेल आइकॉन को, जिससे आपको लेटेस्ट खबरें लेटेस्ट न्यूज मिलती रहे। हाय दोस्तों, मैं धर्मेंद्र खत्री आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ इस वीडियो में। दोस्तों आज बताऊंगा कुछ न्यू खबरें, कुछ न्यू अपडेट दूंगा दोस्तों आपको। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो आज की न्यू खबर ये है, सेसेक्स 629 अंक चढ़कर 35,779 पर बंद, निफ्टी में 188 पॉइंट में की तेजी। दूसरे एशियाई बाजारों में बढ़त से भारतीय बाजार में सेंटीमेंट बेहतर हुए। आरबीआई के नए गवर्नर की नियुक्ति से नकार संकट जल्द सुलझने की उम्मीद। इंडिया वुल्स हाउसिंग फाइनेंस के शेयर में 7% की उछाल। दोस्तों पूरी खबर यह है, शेयर बाजार में बुधवार को जोरदार तेजी आई। सेसेक्स 629 अंक चढ़कर 35,779 पर बंद हुआ। निफ्टी की क्लोजिंग 188 पॉइंट की तेजी के साथ 10,738 पर हुई। सेसेक्स के सभी 30 और निफ्टी के 50 में से 46 शेयर बढ़त में रहे। इंडिया वुल्स हाउसिंग फाइनेंस के शेयर में 7% की तेजी आई। दोस्तों पूरी खबर ये है, एनएसई पर रियल्टी इंडेक्स में 101.45% की बढ़त। बीएसई के सभी 19 सेक्टर इंडेक्स बढ़त के साथ बंद हुए। रियल्टी इंडेक्स 4% फायदे में रहा। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में 2.5% की तेजी रही। निफ्टी के टॉप 5 गेनर्स, भारतीय एयरटेल 7.15% बढ़त, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस 6.19% बढ़त, हीरो मोटोकॉर्प कार्प 6.88% बढ़त, अंडानी पोर्ट्स 5.37% बढ़त, यूपीएल 5.02% बढ़त। निफ्टी के फाइव लूजर डॉक्टर रेडी 4.38% गिरावट, इनफ्रॉन्टेल 0.77% गिरावट, हिंदुस्तान पेट्रोलियम 0.5% गिरावट और टाइटन 3.39 गिरावट। विश्लेषकों के मुताबिक दूसरे एशियाई बाजारों में तेजी और आरबीआई के नए गवर्नर की नियुक्ति होने से भारत बाजारों को फायदा हुआ। सरकार ने मंगलवार को शक्तिकांत दास आरबीआई का नया गवर्नर नियुक्त करने का ऐलान किया। इंडस्ट्री की वो उम्मीद है कि नए गवर्नर बैंकिंग और एनबीएफसी सेक्टर में नकदी संकट दूर करने के तुरंत उपाय करेंगे। इससे छोटी अवधि के निवेशकों के सेंटीमेंट भी सुधरेंगे। शेयर बाजार में मंगलवार को भारी उतार चढ़ाव रहा। 5 राज्यों के चुनाव नतीजों के शुरुआती रुझानों के बाद मंगलवार को शेयर बाजार में तेज गिरावट आई। इंट्रा डे में सेसेक्स 500 अंक लुढ़क गया था, लेकिन बाद में निचले स्तर से शानदार रिकवरी हुई। सेसेक्स मंगलवार को 190 और निफ्टी के 61 अंक की बढ़त के साथ बंद हुए। एशियाई बाजारों में 2% तक बढ़त। एशियाई बाजारों में बुधवार को तेजी दर की गई। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी के साथ व्यापार विवाद सुलझने की उम्मीद जताई, जिससे एशियाई शेयर बाजारों में सेंटीमेंट बेहतर हुए। जापान की निक्केई 1.96% और चीनी के शंघाई कंपोजिट में इंडेक्स में 0.20% की बढ़त हुई। रुपये में 32 पैसे की गिरावट, क्रूड के रेट में 1% उछाल। डॉलर के मुताबिक मुकाबले रुपया बुधवार को भी कमजोर हुआ। इंटर डे में ये 32 पैसे गिरकर 72.17 स्तर पर आ गया। मंगलवार को ये 53 पैसे टूटकर 71.85 पर बंद हुआ था। कारोबारियों के मुताबिक आरबीआई के ताज़ा घटनाक्रम और क्रूड के रेट बढ़ने के वजह से बाजार से रुपये पर दबाव आया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेट क्रूड का रेट बुधवार को 1.08 बढ़कर 60.85 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए दोस्तों, शेयर कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए दोस्तों आपको वीडियो कैसा अच्छा लगा या गलत लगा। और दोस्तों इंपॉर्टेंट बात, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में लगा बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे जब भी मेरी कोई नया वीडियो या नया नोटिफिकेशन आए डायरेक्ट आप तक पहुँचता रहे। थैंक यू दोस्तों एंड